हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर डॉ पुरोहित तो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बी एस सून मैंने अभी डिस्क्रिक मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए आई टी पे जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ फंक्शन और फंक्शन के अंदर फंक्शन होता क्या है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है डोमेन, रेंज फंक्शन का हम कैसे निकालते हैं? उसके बाद जो एक टॉपिक और होता है जहां पर स्टूडेंट को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है एंड इनवर्स कैसे हम निकालते हैं वहाँ पे? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं तो बने रहिए आप मेरे साथ देखिए फंक्शन होता क्या है? एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स एंड अ रूल इज विच एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स असाइन टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई देन दिस रूल इज कॉल्ड अ फंक्शन एंड इट इज रिटन बाय दिस एफ एक्स टू वाई मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट को क्या होना चाहिए असाइन होना चाहिए राइट मैं आपके सामने एक एग्जांपल एग्जांपल देता हूं को समझाने की कोशिश करता हूँ होता क्या है मान लीजिए हमारे पास एक स्कूल है है ना एक स्कूल के अंदर मान लीजिए सिक्स क्लास के बच्चे हैं है ना मान लीजिए हमने यहाँ पे सिक्स क्लास के बच्चे लिए राइट और ये हमारे पास दस बच्चे हैं मान लीजिए वन टू थ्री इनके ये क्या है रोल नंबर है ना सिक्स से लेके हमारे पास यहाँ पे दस बच्चे हैं राइट हर एक बच्चे का हमारे पास वेट है राइट मान लीजिए एक बच्चे का वेट पच्चीस है तीस है मान लीजिए अट्ठाईस है राइट है ना ये हमारे पास ट्वेंटी नाइन है थर्टी है राइट और यहाँ पे हमारे पास सॉरी थर्टी नाइन ले लीजिए यहाँ पे एंड थर्टी फाइव ले लीजिए हमारे पास वेट दे रखेगी हाँ इन स्टूडेंट्स की ये वेट है राइट मान लीजिए ये पहले वाला स्टूडेंट है इसका पच्चीस किलो वजन है दूसरे वाले का यहां पे तीस है है ना तीसरे वाले का भी तीस है चौथे वाले का अट्ठाइस है ये हर एलिमेंट का हर स्टूडेंट का वजन यहां पे एक तो होना चाहिए राइट अगर बाई चांस खाली आपको ये दे रखा है और आपसे बोले कि यार फंक्शन होगा कि नहीं होगा तो भाई साहब ये फंक्शन नहीं है क्यों क्योंकि बाकी बच्चे बच गए भाई अगर स्टूडेंट है तो उसका वेट भी कहीं ना कहीं होना चाहिए तो एक तो ध्यान देने की जरूरत है जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे तो यार ये जो होता है डोमेन ये एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए कनेक्ट होना चाहिए यहां पे मान लीजिए एट लेंगे नाइन लेंगे

तो यार ऐसा हो नहीं सकता है कि एक स्टूडेंट का वेट 25 किलो भी हो जाए और 28 किलो भी हो जाए तो इस दर का हर एलिमेंट का जो इमेज है वो क्या होना है? चाहिए यूनिक होना चाहिए राइट वो दो नहीं हो सकता है ना भाई एक स्टूडेंट का वेट दो नहीं हो सकता राइट तो ये ध्यान देने की जरूरत है आप अगर ये स्टूडेंट और वेट को कनेक्ट करेंगे तो आप फंक्शन की डेफिनेशन को बहुत ईजीली समझ सकते हैं है ना कि हर स्टूडेंट का वेट एग्जिस्ट करना चाहिए और किसी भी एक स्टूडेंट का वेट दो नहीं हो सकता राइट तो ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन होती है क्लियर है आगे बढ़ते हैं सुन बात करेंगे यहां पे अगर हमारे पास ये ए और बी दो सेट दे रखे हैं तो यार मैं बताना चाह रहा हूं देखो ये दो है इसकी दो इमेज चलेगी मतलब ये स्टूडेंट इसके दो वेट हो गए भैया फंक्शन नहीं है ये, समझ रहे हो गलत है यह फंक्शन नहीं होगा राइट ये बात करें इसका ये हो रहा है इसका ये हो रहा है इसका ये हो रहा है मान लीजिए तीन स्टूडेंट है तीन वेट है अब आप बोलोगे सर वा और पी तो खाली रहेगा यार हो सकता है ना यार ये नहीं है वेट क्लियर है तो जरूरी नहीं है तो ये फंक्शन होगा यहां का एलिमेंट खाली हो सकता है यहां का एलिमेंट खाली अगर बाई चांस यहाँ चार हो जाता और यहां पे ये कनेक्ट नहीं हो रहा है चौथे नंबर का कोई वेट नहीं आ रहा दैट टाइम दिस इज नॉट फंक्शन क्योंकि इस स्टूडेंट अगर यहां पे कोई स्टूडेंट है तो उसका वेट हंड्रेड परसेंट इधर होना चाहिए राइट right? तो ये ध्यान देने की जरूरत है खैर अभी तो यह फंक्शन है क्लियर आगे बढ़ता है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता स्टूडेंट डोमेन क्या होता है इफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन ए इज इज कॉल्ड डोमेन एंड बी कॉल्ड डोमेन राइट मतलब हमारे पास जो भी एलिमेंट यहां होते हैं मान लीजिए मैं आपके सामने बोलता हूं यहां पे ये दे रखा है मैं बोलता हूं कि एफ इज इक्वल टू एक्स पास कोई फंक्शन दे रखा है यालीमेंट दे रखे थ्री और यहां पे हमारे पास दे रखे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन राइट और मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये हमारे पास दे रखे वन का स्क्वायर हमारे पास वन होता है सुन टू का स्क्वायर हमारे पास फोर होता है एंड थ्री का स्क्वायर हमारे पास नाइन होता है अब आपसे पूछे कि भैया इसका डोमेन

है ना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना सेवन एट नाइन एंड टेन राइट तो ये डेफिनेशन होती है दिस इज दिस एलिमेंट इज नॉन एज ए डोमेन या जो एलिमेंट कनेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा रेंज और सब एलिमेंट जो होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका कोडोमेन हो जाएगा राइट दिस इज द डेफिनेशन और स्विन जो रेंज सेट होता है वो हमेशा बी का सबसेट होता है राइट ये जो रेंज सेट है मान लीजिए आर है तो ये जो आर होगा ये बी का क्या होगा इसका सबसेट होता ये है ये ध्यान देने की जरूरत है क्लियर है ना तो यही मैंने यहाँ पे आपको समझा रखा है क्लियर जैसे हमारे पास यहाँ वन टू थ्री फोर दे रखा रह रह है ये एलिमेंट है राइट तो हम जानते हैं यहां पे डोमेन वन टू थ्री फोर हो जाएगा रेंज एक्स वाई एंड पी हो जाएगा और कोडोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड पी हो जाएगा ये ध्यान देने की की आवश्यकता है 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 नेक्स्ट बात बात करेंगे काइंड ऑफ़ फ़ंक्शन 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 सबसे पहले बात करते हैं के बारे में राइट right? राइट का नाम से ही पता पड़ रहा कि हर एलिमेंट एक फिक्स इमेज होनी right? है ना? One -one, मतलब चाहिए right? ये हमारे पास one -one होता है, है ना टू मतलब है ना और अगर बाई चांस एफ एक्सु एफ वाई हो जाए तो हंड्रेड परसेंट एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन वाई हो जाएगा राइट तो ये आपको समझने की जरूरत है इसमें आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं मान लीजिए हमारे पास एक सेट दे रखा है मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है ये हमारे पास एक सेट क्या दे रखा है सुन बी रखा है और यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं माइनस वन माइनस टू वन एंड टू दे रखा है और सुन यहाँ पे हमारे पास एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास एक मैपिंग दे रखी है और यहाँ पे हमारे पास यही टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं सुन जीरो आ रहा है माइनस वन आ रहा है माइनस टू आ रहा है वन आ रहा है एंड टू आ रहा है और आपसे पूछा जाए कि यार ये वन वन है या नहीं है राइट तो हम क्या करेंगे सुन हर एलिमेंट जहां पे मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ यहाँ पे और भी एलिमेंट ले लेते हैं ना क्योंकि मुझे लगता है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फोर भी आएगा तो सुन माइनस थ्री आएगा एंड ये प्लस थ्री आएगा इसमें माइनस फोर एंड फोर मान लीजिए ये है ना मैंने थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन किया है ये आ रहा है ना ये हमारे पास एलिमेंट है इसमें ही एलिमेंट है राइट है ना अब इसमें क्या करते हैं देखते हैं कि वन वन है या नहीं है राइट तो इसमें क्या करेंगे यहां पे एफ इज एक्स स्क्वायर तो सबसे मैं जीरो रखूंगा यहां पे चलो माइनस टू तो माइनस टू का स्क्वायर हमारे पास क्या जाएगा सुन? हो जाएगा हो राइट है ना फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा सुन वन हो जाएगा राइट इस सुन हमारे पास जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, right. जाएगा? क्लियर है फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन वन का स्क्वायर हमारे पास वापस वन हो रहा है पे एंड टू का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन फोर हो रहा है तो सुन आप देखिए दो एलिमेंट है देखो यहाँ पे आप देखो सुन टू और माइनस दोनों दोनों यहां पे डिफरेंट एलिमेंट टू एन माइनस टू दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट है पर इसकी जो इमेज है मतलब एफ माइनस टू की जो वैल्यू आ रही है और एफ टू की वैल्यू दोनों की आ रही है बराबर है ये दोनों बराबर नहीं है पर ये दोनों के आ रहे हैं बराबर है इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं होगा राइट वन वन के लिए दोनों का अगर ये दोनों अलग है तो यार इनकी जो इमेज है वो भी क्या होनी चाहिए अलग अलग होनी चाहिए राइट सो दिस इज द कंसेप्ट है ना यही अगर बाई चांस एफ एक्स बराबर एफ वाई है अगर हमारे पास दोनों फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए भाई आप देख रहे हो चार चार बराबर आ रहा है पर माइनस टू और टू दोनों अलग अलग आ रहा है दैट्स दिस रहे हैं वन वन फंक्शन राइट ये वन वन यहां पे नहीं होगा क्लियर अब आप बोलोगे सर इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे कि वन वन नहीं है तो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं पे राइट कैसे प्रूव करेंगे है ना जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वार आपको ये प्रूव करना है कि भाई साहब ये वन वन है या नहीं है

या फिर ये हमारे पास जीरो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है तो माइनस वाई आ रही और की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही वाई आ रही भैया जब भी हमारे पास बराबर आता है तो एक्स बराबर वाई आना चाहिए राइट पर एक्स बराबर वाई भी आ रहा है और एक्स बराबर माइनस वाई भी आ रहा है वन वन फंक्शन राइट और इसको एक्साम्पल से एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एफ एक्ट एक्स प्लस बी राइट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आपको देखना है कि यार वन वन है या नहीं है राइट तो वही एफ एक्स बराबर एफ आई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी हो जाएगा उन बी से बी कैंसिल हो रहा है A एक जिक्र ए से जिक्रेस मतलब वन वन हो जाएगा अगर कोई भी फंक्शन वन वन नहीं है तो वो हमारे पास क्या मेनी वन होता है ना जैसे किन फंक्शन होता है क्लियर आगे बढ़ते हैं सुन बात करते हैं ऑनटो फंक्शन के बारे में ऑनटो फंक्शन का मतलब यह होता है कि इधर का हर एलिमेंट का हमारे पास प्रीमेच एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब यहां पर कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए बेरोजगार होगा जेड और क्यू यहां पर खाली है कुछ भी नहीं है उनके पास किसी एलिमेंट कि, इन दोनों की प्री इमेज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब ये हमारे पास ऑन टू नहीं होगा एक और डेफिनेशन बताना चाहता हूं इस सुन अगर इस क्वेश्चन की बात करें इसका रेंज निकालें है ना तो इसका जो रेंज आ रहा है अगर मैं बी का रेंज निकालो तो क्या आता है सुन एक्स वाई एंड यहां पे क्या आ रहा है सुन पी आ रहा है एंड इस सुन इसका कोडोमेन निकालो है ना क्या निकाला सुन कोडोमेन निकालो तो इसमें इसका जो कोडोमेन आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है एक्स वाई जैड P एंड Q, राइट right? तो हम यह भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी आ, हमारे पास मैपिंग है उसका रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर आ जाए मतलब ये दोनों बराबर होते तो ये हमारे पास क्या हो जाता है ऑन टू जाता जैसे यहां देखिए आप है ना इस उन, इस वाले क्वेश्चन में इसका रेंज क्या आ रहा है ध्यान दीजिएगा इसका रेंज हमारे पास क्या आ रहा है आ रहा है ना सुन इसका कोडोमेन हमारे पास क्या आ रहा है कोडोमेन भी हमारे पास एक्स वाई जेड आ रहा है मतलब भाई साहब ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक

एंड ऑन टू बी है तो ऐसे फंक्शन को हम यहां पे क्या बोलते हैं सुन बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं राइट अ फंक्शन एफ ए टू बी बी ए कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ इट इज वन वन एंड ऑन ऑनटो सुन एक्साम्पल देखते हैं ना हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है टू एक्स माइनस थ्री एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री एज बाइजेक्टिव तो सुन सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यार हमारे पास वन वन है कि नहीं तो वही एफ एक्स इज टू एफ आई टू एक्स माइनस थ्री इज टू वाई माइनस थ्री थ्री से थ्री कैंसिल एक्स बराबर वाई भैसा भी है हमारे पास क्या आ गया वन वन आ गया अब हम बात करेंगे ऑन टू के लिए तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे इसकी एक लाइक uh, like, प्रीमेज चेक करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन इसके वाई की वैल्यू निकालेंगे राइट है ना तो हम इसको बराबर वाई रखेंगे तो यहां से हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वाई प्लस थ्री अपन टू है ना और वाई प्लस थ्री अपन टू ध्यान देना यहाँ पे क्या आएगा सुन वाई प्लस थ्री अपन

तो यार ये जो है ना जब इसका हम प्रीमेज निकालते हैं है ना तो उस वाले केस में हम जानते हैं कि ये जो होता है ये ये नेचुरल नंबर नहीं नहीं होता ये नहीं होता दैट टाइम ऑन टू तो जब भी हम यहां पे ये चेक करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है तो हमारे पास रेंज और को डोमेन के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा यार डोमेन को भी चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है राइट क्योंकि जब भी हमारे पास इसके बारे में बात करेंगे तो इसका जो प्री इमेज आएगा वो इस टाइप का आएगा और इस टाइप का आएगा मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा राइट

नहीं होता है आप मैंने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू एक तो हमारे पास वाई आ रही थी एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस वाई आ रही थी परेड प्लस से जेड प्लस राइट पास डिस्कार हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव तो इमेज हो ही नहीं सकती उसकी क्योंकि राइट इसका मतलब यहाँ पे लेकर चल रहे थे और ये बराबर एक्स बराबर वाई आ जाएगा इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे तो उसमें ये हमारे पास क्या आ जाएगा वन वन हो जाएगा और मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ स्टूडेंट जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे राइट मान लीजिए हम ले, ले लेते हैं क्योंकि जेड प्लस जेड प्लस है तो मैं लेता हूँ वन टू तो, थ्री फोर फाइव ऐसे चलता जाएगा इस टाइप से यहाँ भी आएगा वन टू थ्री फोर फाइव तो सुन देखिए यहाँ पे वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा राइट टू का स्क्वायर हमारे पास फोर हो जाएगा ऐसे ही एट आएगा नाइन आएगा ऐसे चलता रहेगा राइट और यहाँ पे थ्री का स्क्वायर नाइन आएगा तो हर एलिमेंट का हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन एक यूनिक इमेज एक्जिस्ट करेगा मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा वन वन आ जाएगा। पर इस उन नहीं आएगा क्योंकि इधर एलिमेंट खाली रहेगा है ना इसका रेंज और कोड नहीं आया क्योंकि टू, थ्री, है ना आ, इस उन यहाँ पे फाइव, सेवन, इनका प्री इमेज एक्सिस्ट नहीं करेगा इसलिए हमारे पास ये ऑन टू नहीं होगा इसको हम इस तरह से बहुत ईजिली प्रूव भी कर सकते हैं सुन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइन द डोमेन ऑफ द फंक्शन कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसका डोमेन निकालना और एक रेंज निकालना है ना तो डोमेन और रेंज की जब भी बात करी जाती है तो आपको ये देखना पड़ेगा उसका एग्जिस्टेंस देखना पड़ेगा कि यार वाकस में फंक्शन हमारे पास एग्जिट कर रहा है या नहीं कर रहा है राइट है ना जैसे हमारे पास बोला कि राइट और आपको बोला जाए कि रियल नंबर पर यह फंक्शन हमारे पास है तो इसका डोमेन क्या होगा राइट तो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ये रियल नंबर पे है तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए हर रियल नंबर के लिए है ना अगर ये हर ये रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करें जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं है ना अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे दिया जाए एक्स अपॉन एक्स स्क् माइनस वन तो आप देखोगे इसमें एक्स की वैल्यू वन एंड माइनस वन पे भाई साहब ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही इनफाइनाइट आ रहा है मतलब यहां पे ये जो फंक्शन होगा इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा पर वन एंड माइनस वन को छोड़ के होगा राइट है ना मतलब अगर आपसे डोमेन पूछा जाए तो वो क्या होगा ये आएगा रियल नंबर वन एंड माइनस वन राइट क्योंकि वन एंड माइनस वन को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या हो रहा है डिफाइन हो रहा है राइट पर सुन यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है अगर हम इसको यहां पे जीरो रखते हैं पर सुन यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है और अगर मैं यहां पे रियल नंबर की बात करी जा रही पर ये कब कब ये हमारे पास डिनोमिनेटर कब जीरो होता है जब एक्सक्ट प्लस माइनस आयोटा होता है जो कि रियल नंबर नहीं है मतलब हर रियल नंबर पर यह फंक्शन क्या होगा डिफाइन होगा मतलब ये इसका जो डोमेन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सुन आर हो जाएगा क्या होगा तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे हर एक्स की हर वैल्यू के लिए हमारे पास इसकी रियल वैल्यू आए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास यहां पे एक्स जो है वो चार से छोटा होता है, है ना जैसी एक्स की वैल्यू चार से छोटी होती तो ये हमारे पास अंड्रूड आना स्टार्ट हो जाता है राइट और नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है मतलब इमेजनरी नंबर आ जाएगा राइट तो इसका जो डोमेन होगा वो हमारे पास क्या होगा मतलब एक्स ग्रेटर टू फोर हो जाएगा राइट अगर एक्स की वैल्यू चार और चार से बड़ी होगी तो अंडर रूट हमेशा हमें क्या देगा एक रियल नंबर देगा है ना चाहे वो रेशल चाहे वो इरेशनल कुछ भी हो सकता है है ना पर इस ये हमारे पास क्या हो जाएगा उसका डोमेन हो जाएगा राइट क्योंकि जब भी आर टू आर की बात करी जाती है तो आपको वो वैल्यू लेनी है जहां पर फंक्शन का क्या रहा है एग्जिस्टेंस आ रहा है और उसकी रियल वैल्यू दे रहा है राइट तो ये ध्यान देने की जरूरत है मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए जीरो से बड़ी होनी चाहिए मतलब एक्स हमारे पास चार और चार से बड़ा होगा मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं टू इनफानेट राइट ये क्लोज इंटरवेल है ना तो ये इसका क्या हो जाएगा डोमिन हो जाएगा अब आपसे पूछा जाए कि भाई साहब इसका रेंज कैसे निकालेंगे इसका रेंज कब एग्जिस्ट करेगा रेंज होगा क्या तो जब भी हमारे पास रेंज की बात करी जाती है तो इसको मान लो है ना क्या मान लो मान लो है ना एक्स अपॉन एक्स स्क्स वन इसकी रेंज निकाल के बताता तो कर कि रेंज क्या होगी है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर जब भी रेंज की बात करेंगे तो हम एक्स मतलब यहां पे वाई इज इक्वल टू एक्स आ रहा हम उस वाले केस में एक्स इक्वल टू वाई लेंगे एंड फिर चेक करेंगे कि वाई की किस वैल्यू के लिए फंक्शन एक्जिस्ट कर रहा है गेटिंग पॉइंट तो वही हम करने वाले यहां पे राइट तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई so, कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा तो यह स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सुन एक्स में क्वार्टर इक्वेशन दे रखिये तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे राइट तो हम जानते हैं शीधाचार्य फार्मूला से क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास वन प्लस माइनस अंडर रूड ऑफ बी स्क्वायर है ना तो वन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का फोर

बड़ी हो जाए राइट right? इसका मतलब माइनस का फोर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन जब हम माइनस को हटाएंगे तो सुन यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा चेन हो जाएगा राइट right? है ना तो यार ये वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर और जब इसका रूट मतलब इसका रूट लेंगे तो सुन यहाँ पे मोड वाई आ जाएगा विच इज लेस देन इक्वल टू वन बाय टू मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आना चाहिए सुन माइनस वन बाय टू से वन बाय टू के बीच में होनी चाहिए अगर ऐसा होगा तो यहां पे हमारे पास क्या होगा इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा मतलब ये इसका क्या आ जाएगा सुन रेंज हो जाएगा राइट तो हम इसको क्लोज इंटरवल माइनस वन बाय टू से वन बाय टू यहां पर लेंगे क्लियर है ये इसका रेंज हो जाएगा इसी टाइप से हम उसका भी निकाल सकते हैं आगे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए सुन जैसे से बोला जा रहा है कि इसका रेंज क्या होगा तो रेंज क्या होगा तो सुन क्या करेंगे इसको वापस इस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे राइट तो सुन क्या करेंगे जैसे हमारे पास देखा वाई इज इक्वल टू एक्स अपन वन माइनस एक्स तो येगा वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा राइट तो सुन वाई एक्स को उधर ले लो तो एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा इस एक्स कॉमन निकाल दीजिए तो ये आएगा वाई अपन वन प्लस वाई आ जाएगा राइट तो सुन वाई की वैल्यू अगर आप वाई की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब रियल नंबर में से वन को हटा दीजिए मतलब माइनस वन को हटा दीजिए ये इसका क्या आ जाएगा सो इसका रेंज आ जाएगा राइट तो ये ध्यान देने इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं बात बराबर है ना यहां से इसका मतलब ये होता है कि रियल नंबर में माइनस को छोड़ के है ना इसी टाइप से इसको देखेंगे तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं ना इसका स्क्वायर करेंगे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए सुन पॉजिटिव होनी चाहिए मतलब ये जीरो और जीरो से बड़ा होना चाहिए राइट और जीरो से जीरो और जीरो से बड़ा होगा जैसे मैं आपसे बोलूँ कि नाइन माइनस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए इसमें जीरो और जीरो से बड़ा होना चाहिए राइट माइनस का वाई स्क्वायर इस माइनस नाइन हो जाएगा तो वाई स्क्वायर यहाँ पे हम क्या करेंगे लेस देन नाइन आ जाएगा यहाँ पे राइट right. और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा थ्री आ जाएगा मोड वाइज लेस देन इक्वल टू थ्री आ जाएगा मतलब वाई माइनस थ्री से थ्री के बीच में आएगा तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी सुन मोड वाई इज लेस देन इक्वल टू थ्री आएगा मतलब वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी सुन माइनस थ्री से थ्री के बीच में आएगी प्लीज करेक्ट कर दीजिए इसको इस सुन इसका जो रेंज आएगा वो माइनस थ्री से थ्री आ जाएगा राइट तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सुन आगे बढ़ते हैं सोश सुन यार ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स का जो फंक्शन का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर मैं आपको कंपोजिट ऑफ फंक्शन एंड उसके इनवर्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और सुन लास्ट में मेरी पूरी की पूरी प्ले है जो कि आप जाके देख सकते हैं जहां पर मैंने डिस्क्रिक्ट मैथ्स के पूरे वीडियो अपलोड कर रखें सुन यहाँ पर जाकर मेरा जो नया वाला चैनल है जहां पर मैंने जनरल एप्टीट्यूड के लिए फॉर सी एस आई आर नेट एंड आई डी एम और सुन गेट एग्जाम के लिए कर रखा वो आप जाके देख सकते हैं सुन यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ जाके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच वॉचिंग मी लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाय